इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और दूसरा प्रश्न यह कह रहा है यह जो संख्या दिया हुआ है इसका आप HCF और LCM निकालिए, यानी कि इसका लघुतम और महत्तम निकालिए। तो हम एक एक करके पहला और दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर हम तीसरा और चौथा प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह जो संख्या दिया हुआ है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो इसको लिखने के लिए जानते हैं क्या करना होगा। इसका सबसे पहले हमें लघुतम निकालना होगा, तो हम सबसे पहले 140 का लघुतम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लघुतम निकाल दे रहा हूँ, तो 140 का मैं यहाँ पर लघुतम निकाल रहा हूँ, तो देखिए कैसे होगा। तो यह जाएगा 2 से कितने बार में, तो यह जाएगा 7 बार में, 0 बार में। फिर यह 2 से जाएगा 35 बार में, और फिर यह 5 से जाएगा 7 बार में। तो अब देखिए क्या करना है, इसका होगा 140 का होगा 140 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितने बार हैं, तो 2 बार हैं। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 2 बार है ना, तो इसलिए हमने लिखा है 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। और यही हो गया इसका राइट आंसर प्रश्न के अनुसार। प्रश्न केवल इतना ही कह रहा है कि इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो इसका गुणनफल कितना हुआ, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ पर 5 पर हमने पावर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि 5 एक ही बार है, और 5 का पावर 1 लिखे या 5 लिखे बात बराबर ही है। दो नंबर में प्रश्न है 156, तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम उसी तरह से लघुतम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 156 का लघुतम निकाल लेते हैं यहाँ पर। यह भी कितना से जाएगा, तो 2 से जाएगा, यह 7 बार में और यह 8 बार में। फिर यह 2 से जाएगा कितने बार में, तो यह जाएगा 3 बार में और यह जाएगा 9 बार में। अब यह किससे कटेगा, 39 है, तो यह 13 से कटेगा, और 13 दिया होता है 39, ठीक। तो अब देखिए इसका हम लिखेंगे 156 का लिखेंगे, 156 बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका HCF और LCM ज्ञात करते हैं, उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसके बारे में सोचेंगे। तो इन दोनों प्रश्न का हमें क्या निकालना है, तो लघुतम और महत्तम निकालना है। तो सबसे पहले हम लघुतम निकाल देते हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा 26 तथा 91 का LCM हो जाएगा, यह कितने से जाएगा, यह 13 से जाएगा, यह 13 दुनी का 26 हो जाएगा, और 13 सते 91 हो जाएगा। इसका LCM बराबर हो जाएगा कितना, तो 13 गुणा 2 गुणा 7, और इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 182। 13 दुनी का 26 होगा और 26 सते हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करा देता हूँ, 26 सते हो जाएगा, 6 सते 42 का 2 हासिल 4, और 7 दुनी का 14 और 4 18, तो 182, और इसका LCM हो गया क्या, 182। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें इसका HCF ज्ञात करना है, इसका महत्तम ज्ञात करना है। तो देखिए महत्तम किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इन संख्याओं में हम भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या है, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है 26 और एक संख्या है 91। इसका महत्तम निकालने का दो गो तरीका है, एक भाग विधि है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसका लघुतम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे,
क्योंकि यह जो 2 नंबर प्रश्न है इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके किताब में वह यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो जो संख्या दिया हुआ रहता है उनका सबसे पहले अलग अलग लघुत्तम निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर पहले 26 का लघुत्तम निकाल देते हैं और यहाँ पर 91 का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 26 का लघुत्तम निकालेंगे तो यह जो है 2 से जाएगा 13 बार में, अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरह से हम 91 का लघुत्तम निकालेंगे तो यह 7 से जाएगा 1 बार में, और 1 बार में 7 से जाएगा तो 2 बचेगा, और 17 का 21 यह 13 बार में जाएगा 7 से। तो देखिए इसका हो गया 26 का हो गया गुणनखंड हो गया भाज्य गुणनखंड 2 × 13, और 91 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, इसका हो गया 7 × 13। ठीक, तो देखिए महत्तम जो होता है जिसे HCF कहा जाता है वह जानते हैं क्या होता है, वैसा संख्या होता है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, इसलिए इसका मसा जो होगा वह यही हो गया 13। इसका मसा बराबर क्या हो गया 13। और लसा जिसे LCM कहते हैं वो जानते हैं क्या होगा, देखिए LCM इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो संख्या आएगा वही इसका LCM होगा। और हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए एक संख्या का गुणा हम इसमें 2 बार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तो एक संख्या का गुणा हम इसमें 2 बार नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो हम 13 को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 13 × 7, फिर से हम 13 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 को हमने 1 बार लिख दिए हैं, और इन सभी को आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। यहाँ पर हमने कराया है ना, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकाला जाता है। तो इस प्रश्न में आप दूसरा भी प्रश्न का हल जान गए और तीसरा भी प्रश्न का हल जान गए। इस प्रश्नों को आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF या LCM निकालना आता है या नहीं आता है।